रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के दिन ही एक ऐसे भाई है जो पूरे शहर की बहनों की सेवा के लिए उतरे हैं। हालांकि है वो टैक्सी चालक, लेकिन जो जितना है उतने में ही वो सेवा करने में लगे हैं। और टैक्सी चालक होने के बावजूद इतना ज़्यादा बड़ा ये बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनका दिल बहुत बड़ा है और जोधपुर की महिलाओं के लिए वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। मैं बात करेंगे हम अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज दादीच है और मैं जोधपुर मदनापुरानी निवासी हूँ। क्या क्या कर रहे हो आप, क्या सेवा कर रहे हो, कैसे है? ये क्या है, मेरी बहन थी, एक इकलौती बहन थी, वो उसका नाम बेबी था, जो उसका स्वर्गवास हो गया एकदम अचानक ही, हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। और तीन बच्ची है छोटी छोटी छोड़ कर चले गए। अच्छा। कब हुआ था ये 22 साल हो गए। तो आप क्या कर रहे हो सेवा? मैं क्या, जब से मैंने टैक्सी लिया है ना, लोग कैसे सेवा करता है, कोई जैसे फौजी है, फौजी देश की सेवा करता है, तो राजस्थान सरकार रोडवेज की सेवा ये महिलाओं के लिए निःशुल्क रखा है ऑटो टैक्सी। तो मैंने सोचा भाई, मेरे भी मन में विचार आया, मैं 7 साल से ये टैक्सी चला रहा हूँ, 7 साल से मैं ये सेवा दे रहा हूँ। मैं 7 सालों में मेरे को करीबन 500 से 600 महिलाएं मैंने छोड़ चुका हूँ अभी तक। और आज जो रक्षाबंधन का है, तो मैंने आज भी मैंने करीबन 50 या 47 करीबन छोड़ चुका हूँ रक्षाबंधन के उपलक्ष में। परंतु ये रक्षाबंधन क्या है, मैं अपनी बहन के लिए करता हूँ ये, मैं एक ऐसा करना चाहता हूँ और भी लोग जागरूक होवे और ये जोधपुर की महिलाओं के लिए सेवा देवे, क्योंकि मेरी बहन है नहीं, मेरी बहन की डेथ हो गई जिसका नाम है बेबी, और मैं उसकी याद में एक अद्भुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो जोधपुर में सभी को याद रहे कि एक ऐसा भाई भी है जो उसकी बहन नहीं है, परंतु जोधपुर की सारी महिलाओं को मैं अपनी बहन मानता हूँ और उसकी याद में मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। या आपके माध्यम से भी मैं मेरा मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 97-99-72-67-68। अगर कोई भी बहन मेरे को फ़ोन करती है तो मैं उसके घर से लेकर उसके भाई के घर से घर तक रक्षाबंधन के धागा बंधाने के लिए, उसके घर तक मैं बांधने के लिए टैक्सी से निःशुल्क सेवा करता हूँ, एक भी रुपया नहीं लेता हूँ, फ्री सेवा मेरी तरफ से। और मेरी, मैं दुआ करना चाहता हूँ कि जोधपुर की सारी महिलाएं जो मेरी बहन है, बहन मानता हूँ, वो सब मेरी बहन को, बेबी को एक अद्भुत श्रद्धांजलि और आत्मा को शांति के लिए प्रदान करे, ऐसी विनती करे। तो आप ये बताइए, आज रक्षाबंधन के दिन ऐसा आप रक्षाबंधन को करते हो? हाँ, मेरे को 7 साल हो गए हैं, मैं 7 सालों में मेरी बन करीबन 500 से 600 महिलाएं बहन को ये रक्षाबंधन पर छोड़ चुका हूँ। परंतु आज बदरा होने के कारण मैंने रक्षाबंधन के इसके भाई के अलावा की और भी मैंने सेवा की, अस्पताल ले गया और दूसरा भी स्टेशन ले गया, बस स्टैंड छोड़ा, जहाँ बहन ने क्या कहा, जैसे मंडोर गार्डन जाना मेरे को, वहीं भी छोड़ा मैंने। कोई बोला मेरा घर कूड़ी है, कोई बोला शास्त्री नगर है, कोई बोला नौचौकिया है, परंतु जहाँ मेरे को बहन ने बोला वहाँ छोड़ा। परंतु एक बहुत ही बड़ी और अफसोस अप्रिय घटना मैं कहना नहीं चाहता हूँ, परंतु ये बहन है जोधपुर की है जो सिर्फ काम निकलने के लिए है ओनली, पर जो मेरे को इतना तक नहीं बोला भैया आप, मैं आओ, आप अंदर बैठो, मैं आपको राखी बांधू या पानी पिलाऊँ, सिर्फ और पर ओनली पर ये बोला भैया थैंक यू, धन्यवाद, आप अच्छा कार्य करते हो, परंतु एक भी बहन मेरी कलाई देख लो सुननी है, सुबह से एक भी बहन ने मेरे को राखी नहीं बांधी है, और मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी मैं जोधपुर की सारी बहनों को मैं अपनी बहन मानता हूँ। मेरा नाम धनराज दादीच है, जोधपुर मदनापुरानी निवासी हूँ, और सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बड़ी दुख की बात है कि धनराज जो है ये लगातार बहनों की सेवा के लिए निःशुल्क सेवा दे रहे हैं टैक्सी की, लेकिन उसके बावजूद आज भी उनकी कलाई सुनी है, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस बहन की याद में ये सब कुछ कर रहे हैं, और हर जोधपुर की जो औरतें उनको बहनें मानते हैं, लेकिन कोई भी बहन उनको राखी बांधने के लिए आगे नहीं आई, और ये उनके दिल में मलाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी बहन की कमी जो है वो पूरी होनी चाहिए, और जो बहनों की जो सेवा कर रहे हैं उन बहनों को राखी भी बांधनी चाहिए। सलाम है ऐसे लोगों पर जो ऐसी सेवा कर रहे हैं और अपनी बहन को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और ये देते आए हैं और ये कह रहे हैं आगे भी हम देते रहेंगे।